शाज़ यंगाइस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 का जो ऑफिशियल क्वेश्चन बैंक आया है फॉर ज्योग्राफी सब्जेक्ट। तो उसका फर्स्ट पार्ट वीडियो हमने ऑलरेडी देखा, एमसीक्यूज हमने सारे डिस्कस किए। ये देखिए, ये क्वेश्चन बैंक के जो एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये टोटल हमारे 24 चूज द करेक्ट ऑप्शन थे। आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, आइडेंटिफाई द करेक्ट कोरिलेशन एंड कंप्लीट द चेन। ये सारे सवाल हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए। आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर, मैच द फॉलोइंग। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। These are also MCQs. Answer the following questions as per given instructions. तो ये सारे जो है questions ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ये 8 सवाल है। उसके बाद distinguish between हम सेपरेटली करेंगे। State whether right or wrong, ये भी ऑब्जेक्टिव 1 मार्क क्वेश्चन है, ये हम देखेंगे। प्लस फाइनली आंसर्स इन 1 सेंटेंस के जो सवाल है वो देखेंगे। तो यह हम कंप्लीट करने वाले। उसके बाद शॉर्ट नोट्स है, वो अलग लिस्ट है। नेम द फॉलोइंग भी इस वीडियो में हम देखेंगे। आगे जो है ये राइट द फॉलोइंग रीजन्स इन करेक्ट ग्रुप, ये वाला सवाल भी हम देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 4A शुरू होता है मैप। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो ज्योग्राफी का इसके बाद जो होगा उसमें हम मैपिंग के सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए मैपिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए, तो सारा मैपिंग हम थर्ड वीडियो में पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। और मैपिंग के बाद गिव रीजंस की लिस्ट है और उसके बाद ग्राफ के क्वेश्चन है, रीडिंग द ग्राफ और ड्रॉइंग द ग्राफ। तो ये वाले सवाल भी हम उसके बाद करेंगे। तो शुरू करते हैं। उसके बाद बस ये ग्राफ के क्वेश्चन हो गए, उसके बाद आपके क्वेश्चन इन ब्रीफ है और आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट क्वेश्चन बैंक कवर हो जाता है। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें जो करना है अभी क्वेश्चंस जो है यहाँ से मैच द फॉलोइंग तक हमने लास्ट टाइम किया था, तो ये हमारा सवाल है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन प्रॉपर ऑर्डर। तो यहाँ पे 4 चीजें दी गई है रिगार्डिंग प्रेपरेशन फॉर फील्ड विजिट। तो फील्ड विजिट के लिए प्रिपेयर करेंगे तो ABCD 4 चीजें दी गई है, इन्हें प्रॉपर ऑर्डर में लाना है कि पहले क्या करेंगे फिर क्या। तो A है विजिट टू द प्लेस ऑफ फील्ड विजिट, B है सिलेक्शन ऑफ द प्लेस, C is report writing and D is preparation for field visit. तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले तो जगह डिसाइड करनी होगी कि कहाँ फील्ड विजिट को जाना है, तो B सबसे पहले आएगा। फिर प्रिपेयर करेंगे फील्ड विजिट के लिए हमें क्या क्या ले जाना है वगैरह, तो B के बाद D आएगा। फिर एक्चुअल विजिट होगी और विजिट करने के बाद हम उसके ऊपर रिपोर्ट लिखेंगे। तो B D A C दिस इज द राइट ऑप्शन। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है फील्ड विजिट का, ऐसा सवाल है नहीं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हम इसको इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, इतना डिफिकल्ट ही नहीं आनी चाहिए। आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर का आप सवाल है जो ये चैप्टर 5 से, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये पेज 36 पे इसके आंसर भी मिलेंगे। इंडियन ट्रीज में ये 3 नाम है, दियोदर, अंजान और बानियन, ऑर्किड नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी सवाल है। तो चैप्टर 5 पेज 36 देखेंगे। ये पेज 36 पे ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑड मैन आउट। तो यहाँ पे है देखिए फ्लोरा ऑफ इंडिया, डियोदर, अंजन, बनियन है, ऑर्किड इज द ऑड वन आउट। तो यही हमारा यहाँ पे सवाल था। आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट अलग भी लिस्ट थी, ये पे यहाँ पे ये सवाल यहाँ दिया है। द आंसर हियर इज ऑर्किड। देन दिस इज आल्सो चैप्टर 2 पेज 20 का क्वेश्चन, दीज रिवर्स ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग। तो ये हम ऑलरेडी देखे भी थे, आप देख सकते हैं चैप्टर 2 पेज 20। ये भी एक्सरसाइज का ही सवाल है। ये देखिए यहाँ पे हमें मैप में भी क्लियरली दिखता है ना, चुरुआका, जिंगू, अरागुआ, टोटैंकिन्स, ये रिवर्स है जो नॉर्थ फ्लोइंग है। और ये टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें भी दिया है। ये देखिए नॉर्थ फ्लोइंग रिवर्स, यहाँ पे सवाल है ऊपर, रिवर्स ऑफ ब्राजील आर, दीज रिवर्स ऑफ ब्राजील आर नॉर्थ फ्लोइंग। तो हमारा एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट इज अरेंज द गिवन स्टेट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर वर्ड इंपॉर्टेंट है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इनको अरेंज करना है, मतलब सबसे ज्यादा से सबसे छोटे तक, बड़े से छोटे पे आना है, नीचे उतरना है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, यूपी में है ना। अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो ये सारे स्टेट्स के नाम यहाँ दिए गए, सारे प्रदेश हमारे, हिमाचल, उत्तर, अरुणाचल, मध्य एंड आंध्र प्रदेश। तो हमें कैसे अरेंज करना है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, एपी आंध्र प्रदेश, फिर MP मध्य प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, चैप्टर 6 पेज 45 है ना, पॉपुलेशन का चैप्टर हमारा। पेज 45 पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे ऑलरेडी है ना, यूपी, ये मतलब एक्सरसाइज का ही सवाल है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको ये करने कहा गया है ना। ब्राजील के लिए कहा गया असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ है, अमेजोनास में, फिर अलगवास, फिर पराना, साओ पाउलो और रियो डी जेनेरो। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रियो डी जेनेरो। तो ये हमको ब्राजील का असेंडिंग ऑर्डर में करना था। ये भी सवाल है, ये भी एक्चुअली एक्सरसाइज, ये हमारे क्वेश्चन मार्क में है। ये देखिए, क्लासिफाई द फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इनटू फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। मतलब कौन से फेवरेबल है, मतलब जिसकी वजह से ज्यादा पॉपुलेशन होगा एक रीजन में, और कौन सा अनफेवरेबल है। तो ये वाले सवाल भी हमारी एक्सरसाइज में, ये सेम सवाल है। तो ये क्या है, देखिए, नियरनेस टू सी, ऑफ कोर्स एरिया के पास ज्यादा पॉपुलेशन आएगा तो फेवरेबल है। लैक ऑफ रोड्स, रोड्स ही नहीं है तो ऑफ कोर्स अनफेवरेबल है। टेम्परेट क्लाइमेट अच्छा होता है तो फेवरेबल। लैक ऑफ इंडस्ट्रीज अनफेवरेबल। न्यू सिटीज एंड टाउन्स है तो ऑफ कोर्स लोग आएंगे रहने को, फेवरेबल। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट रीजन है तो घर कहाँ कैसे बनाएंगे ना, वाइल्ड लाइफ होगा, तो ये अनफेवरेबल। मिनरल्स है तो नियर मिनरल बेसिस लोग रहते हैं ताकि यू नो मिनरल रिसोर्सेज हो गए तो उनसे भी उनको बेनिफिट मिलता है। और सेमी एरिड क्लाइमेट है, मतलब मिनरल्स अवेलेबल है तो लोग बोलेंगे नहीं यहाँ नहीं रहना, ऐसा नहीं, वहाँ लोग बसते, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी भी आएगी। सेमी एरिड क्लाइमेट होगा तो अनफेवरेबल, एरिड मतलब डेजर्ट टाइप है ना, हॉट क्लाइमेट तो अनफेवरेबल। एंड कल्टिवेबल लैंड है तो फेवरेबल, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ये वाला सवाल भी है हमारी क्वेश्चन बैंक में, ये देखिए क्वेश्चन 5 है जो यहाँ पे है एक्सरसाइज में। कंपेयर एंड क्लासिफाई द पॉपुलेशन डेंसिटीज शोन इन स्क्वायर्स ए एंड बी रिप्रेजेंटिंग 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया है ये, इसके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है बताने, तो कंपेयर करना है। तो यहाँ पे कितने लोग हैं देखो, है ना, अगर यहाँ पे देखो, इफ इन फिगर बी 1 sign = 100 देन व्हाट विल बी द सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो भी निकालने कहा गया है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी बोलेंगे हम, अगर ये देखिए this is one person, how many people are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 people are there, है ना? So if one person represents 100, 1 sign = 100, then population is 700 per square kilometer. और यहाँ पे कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 and 3 times 6 is 18. 1800 per person represents 100, and this is 1800 per square kilometer population. सो पॉपुलेशन डेंसिटी वी कैन कंपेयर, यहाँ देख सकते हैं हम 700 और 1800 है, तो यहाँ पे किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, इस वाले की। और सेक्स रेशियो अगर हम लेंगे, मतलब ये मेल फीमेल का फिगर अलग है, तो मेल्स कितने हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, मतलब 400 मेल्स एंड 300 फीमेल्स। सो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इज अ डेफिनेशन ऑफ सेक्स रेशियो, तो इसलिए ये 300/400 ऐसा। तो 300/400 कितना होता है, 3/4। एक्चुअली हमें इसको लेना है इन टर्म्स ऑफ पर 1000, तो पर 1000 कितना होगा, तो इसको हम एक्चुअली 4 से डिवाइड कर लेंगे। 4 के टेबल में ये 30 कभी आएगा, 4 7s are 28 है ना, और 2 बचा तो 4 5s are 20, तो ये 750 हो जाएगा, 750/100 775/100, 750/1000। ये कैलकुलेशन हमें करना है यहाँ पे ना, ये 7 आएगा, ये तो 20 बनता है तो 575/100 दैट बिकम 750/1000। और अगर ये हमें देखना है इधर का, मतलब हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, हमें यहाँ काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 females मीन्स 1000 females पर फिगर इन रिप्रेजेंट 100 people, सो 1000 females पर हाउ मेनी मेल्स आर देयर, 18 थे ना टोटल, तो 10 females है तो 8 males है, 800। तो इसको हमें डिनोमिनेटर में 10 चाहिए, तो ये 10/8 बनता है, 5/4 बनता है, लेकिन इसे हम 1000 से करेंगे। तो 4 का हमको देखिए, 4 1s are 4 बचा 1, तो 4 10 हुआ, तो 4 2s are 8 बचा 2, तो 5 बना 125/1.25 बनता है। 1.25 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250/1000 ऐसे। तो ये हमारा sex ratio means favorable sex ratio, more females than males. So दे 2 values है, तो हमें एक question हमें इधर भी है, ये देखिए हमने इधर भी पूरा solve किया है। तो 750/1000 या 1250/1000 same figure is being given, same question है। page 6 chapter 6 page 45 का ये सवाल भी हमारे question bank में है, हमने अभी solve किया। ये भी सवाल अभी हमने सॉल्व किया था chapter 6 page 45 का, सेम क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक का, इवन ये वाला। तो हम थे इस सवाल पे question 4 पे कि अरेंज कैसे करना है, ये तो हमने अरेंज कर लिया। और ये chapter 6 page 45 का सेम सवाल है। इधर क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर था, ये असेंडिंग ऑर्डर है। सेम सवाल टेक्स्ट बुक के जैसे ही पूछा है, ये भी सेम सवाल है, सेम एज इन द चैप्टर 6 एक्सरसाइज। उसके बाद ये वाला सवाल चैप्टर 2 का, ये भी हमने ऑलरेडी देखा है, कोस्टल पार्ट ऑफ ब्राजील कैसे दिखता है, ये 1 करेक्ट आंसर है, तो इजी क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। उसके बाद ये वाला भी हमने देखा, इसके बाद ये कंपेयर, ये तो ये 7th क्वेश्चन था हमारा, 8th क्वेश्चन ये है, तो ये पॉपुलेशन वाला चैप्टर क्वेश्चन भी हमने देख लिया। इसके बाद आता है हमारी डिस्टिंग्विश बिटवीन की लिस्ट, इसको हम फिलहाल के लिए स्किप करते जाते हैं क्वेश्चन 3 पे, which is again a multiple choice 1 mark question, that is state whether right or wrong. State whether right or wrong के question पहला है chapter 2 से page number 13 पे, ये हमें मिलेगा, actually exercise का एक question है। Brazil is mainly in southern hemisphere, तो हमने पहले भी देखा है Brazil के through equator pass होता है, through the northern part of Brazil, तो southern hemisphere में mainly उसका पोजिशन है, थोड़ा ऊपर का northern part में, बाकी remaining Brazil, major part of Brazil is in southern hemisphere, तो इसका आंसर राइट है। ये देखिए ये पेज 13 है चैप्टर 2 की एक्सरसाइज। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, रॉन्ग है, हमें पता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडल ऑफ इंडिया, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे सेम ये क्वेश्चन, यहाँ पे देखो चैप्टर 2 पेज 13 ये वाला सवाल आया, फिर थोड़े क्वेश्चंस बीच में इंसर्ट किए गए, ये यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन यही है, इसका आंसर रॉन्ग है। आगे हम देखेंगे तो देखिए चैप्टर 2 पेज 13 का 3rd क्वेश्चन, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ ब्राजील इज लेस देन दैट ऑफ इंडिया, वो यहीं से एक्सरसाइज के सवाल है ना, तो ये भी एक्चुअली रॉन्ग है। ब्राजील ज्यादा लंबा है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट उसकी लंबाई देखेंगे तो इंडिया से ज्यादा है, एरिया भी ब्राजील की इंडिया से ज्यादा है। फिर ये वाला अगेन चैप्टर 2 पेज 13 का है, ब्राजील हैज अ पैसिफिक कोस्ट लाइन व्हिच इज अगेन फ्रॉम हियर, ये देखिए ब्राजील हैज अ कोस्ट लाइन अलोंग द पैसिफिक ओशन, तो ये रॉन्ग है। अटलांटिक ओशन आता है, ब्राजील ये है ना, ब्राजील यहाँ अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के पास ब्राजील का कोस्ट नहीं है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे और एक जो है चैप्टर 2 पेज 13, इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न रीजन ऑफ ब्राजील, ये राइट है ना, मेनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, तो वही है ना, क्योंकि इक्वेटर पासेस थ्रू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, तो ये यहीं से सवाल, सेम एक्सरसाइज के सवाल यहाँ क्वेश्चन लिस्ट में दिए गए क्वेश्चन बैंक में। नेक्स्ट चैप्टर 2 पेज 13 है ये, पाकिस्तान इज लोकेटेड एट द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान तो नॉर्थ में, साउथ ईस्ट में नहीं, तो ये भी गलत है, एक्चुअली नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, सो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान इज नेबरिंग कंट्री टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। फिर और एक चैप्टर 2 पेज 13 का सवाल है जो ये है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज पेनिनसुला व्हिच इज राइट, ये लास्ट क्वेश्चन यहीं से। तो पूरे ये ऑल 7 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे, वो सारे यहाँ पे जंबल करके डाले हुए हैं, तो चैप्टर 2 के सवाल है। देन वी सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्चुअली तो ये देखिए चैप्टर 6 का क्वेश्चन है ये, लिटरेसी रेट ऑफ ब्राजील इज हायर देन इंडिया, दिस इज ऑन चैप्टर 6 पेज 45, तो ये देखिए हम पेज 45 पे जाएंगे, ये देखिए ये भी एक्सरसाइज के सवाल है, लिटरेसी रेट इज हायर इन ब्राजील देन इंडिया, ये राइट है, हमने लिटरेसी रेट का ग्राफ भी स्टडी किया इस चैप्टर में, चैप्टर 6 पॉपुलेशन में। फिर इन ब्राजील पीपल प्रेफर टू लिव इन साउथ ईस्ट एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट, यस साउथ में ज्यादा पॉपुलेशन है साउथ ईस्ट में, तो ये भी राइट है। तो ये सेम सवाल यहाँ पे भी है, देखिए चैप्टर 6 पेज 45 ये आया, फिर पीपल प्रेफर टू लिव वाला क्वेश्चन भी है जिसका आंसर राइट है। फिर नेक्स्ट इज डेंस पॉपुलेशन इज फाउंड एट वेस्ट इन ब्राजील, तो वेस्ट में एक्चुअली डेंस पॉपुलेशन ही, वेस्ट साइड पे तो अमेजॉन बेसिन है, तो दिस इज रॉन्ग, तो यहीं से ये देखिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इज डेंसली पॉपुलेटेड, ये रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट चैप्टर, ये 3 चैप्टर 6 के सवाल हुए, उसके बाद चैप्टर 6 का सवाल अगेन यहाँ आता है, ये देखिए ये रहा चैप्टर 6 पेज 45, तो ये चैप्टर 6 पेज 45 का सवाल है, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज डिक्रीजिंग इन इंडिया डे बाय डे, तो ये देखिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस इज डिक्रीजिंग, ये रॉन्ग है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग। नेक्स्ट डी भी देखिए, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज डेंसली पॉपुलेटेड, तो ये रॉन्ग है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट तो ये हमारा राजस्थान वगैरह का डेजर्ट रीजन है, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, ईस्टर्न साइड डेंसली पॉपुलेटेड है ना, नॉर्थ ईस्ट भी नहीं, मतलब ईस्टर्न पार्ट, that is in the, actually we call it the northern part, the North Indian plains. फिर the western part of Brazil is densely populated is also wrong. Western part of Brazil में तो Amazon river basin है, तो नहीं है यहाँ पे dense population. तो ये same सवाल यहाँ पे देखिए, ये chapter 6 का ये हमने देखा expectancy. फिर next ये रहा dense population is found in northwest region of India, wrong. फिर और एक है chapter 6 का यहाँ पे, तो ये 2 भी है, लेकिन ये जो है ये questions एक्सरसाइज से नहीं है, पेज 45 से नहीं है, ये देखिए चैप्टर के अंदर से 3 सवाल। तो इनको भी हम देख लेंगे। ये देखिए चैप्टर 6 पेज 39 पे, ब्राजील रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन एंड एरिया। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हम पेज 39 पे इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखिए इट्स स्पेसिफिकली मेंशन, ये ब्राजील रैंक्स 5th इन द वर्ल्ड with a population of around 19 crores, so it's 5th in the world with respect to population as well as with respect to area. देखो यहाँ पे आगे लिखा है ना, so 5th in the world, also 5th in the world with respect to area. तो ये हमारा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। यहाँ पे हमारा ये टेक्सचुअल राइट और रॉन्ग का स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट जो आता है चैप्टर 6 का वो ये है, स्पार्स पॉपुलेशन इज फाउंड इन द बेसिन ऑफ रिवर गंगा। ये तो रॉन्ग ही है, हमें पता है डेंस पॉपुलेशन है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, तो रिवर गंगा इज नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, तो ये भी मेंशन्ड है टेक्स्ट बुक में। फिर ये 27th वाला, एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ इज लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो ये राइट है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ लेस होती है, ये देखिए मेंशन्ड है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर नेक्स्ट हम जाएंगे, तो चैप्टर 2 देखा हमने, चैप्टर 6 के सवाल देखे, चैप्टर 4 का सवाल है, लोकेशन ऑफ ब्राजील ऑन इक्वेटर इज अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। तो ये इसका चैप्टर 4 क्लाइमेट चैप्टर में, ये पेज 31, ये भी एक्सरसाइज का ही है। ये देखिए पेज 31 पे, सॉरी पेज 31 पे, सॉरी ये रही एक्सरसाइज, तो यहीं से है। ये देखिए स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग, the fact that Brazil lies on the equator affects its climate in a big way, yes of course, so equatorial climate मिलता है उसको। तो ये chapter 4 का जो सवाल है, location of Brazil on equator is affecting the climate of Brazil, तो इसका आंसर आएगा right। फिर next है यहाँ पे chapter 4 का सवाल, ये देखिए ये है, Brazil gets rainfall from southwest monsoon winds, तो southwest monsoon तो इंडिया में rainfall देता है, तो ये wrong है ना, ये वाला यहाँ पे D ही है। ये देखिए बी और सी भी क्या, इंडिया एंड ब्राजील हैव सेम सीजन्स एट द सेम टाइम, रॉन्ग है। इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ब्राजील सदर्न हेमिस्फीयर, तो बल्कि उल्टा सीजन्स होते हैं, जब यहाँ हॉट होता है वहाँ कोल्ड होता है, जब यहाँ कोल्ड होता है वहाँ हॉट होता है, तो ये रॉन्ग है। और फिर सी इज, इंडिया फेसेस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली, दिस इज राइट है ना, इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिकल रीजन, ऐसा सवाल भी है। ये देखिए तो ये हमारा हो गया चैप्टर 4 का, ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, बीन रॉन्ग। Then next is ये रहा गया चैप्टर 4, सिमिलर सीजन्स आर फाउंड एट सेम टाइम ब्राजील एंड इंडिया, दिस इज रॉन्ग, अभी हमने देखा। तो थोड़ा स्टेटमेंट को मॉडिफाई कर दिया है, इंडिया एंड ब्राजील हैव सेम सीजन, तो ये सिमिलर सीजन से स्टार्ट होता है, पर मतलब वही है सेंटेंस का, और आंसर भी सेम ही रहेगा, इट्स रॉन्ग। एंड नेक्स्ट 3 क्वेश्चन आर फ्रॉम चैप्टर 4, ये रहा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आकर ऑफन इन इंडिया, ट्रू। लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन द ट्रॉपिक्स, ये भी राइट है। और टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया, ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक का मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है ये, चैप्टर 4 आप पेज 28 पे इसका आंसर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है। ये देखिए और एक स्टेटमेंट है, ये भी पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंडिया में आते हैं बट दे रेयरली विजिट द कोस्ट्स ऑफ ब्राजील, ये आपका गिव रीजन भी है। फिर यहाँ पे हम देखने आए थे ये वाला स्टेटमेंट चैप्टर 4, टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया, तो इंडिया का क्लाइमेट यहाँ हम देखेंगे जब, तो ये लिखा है देखिए टेम्परेचर्स इंक्रीज टुवर्ड्स द साउथ, तो जैसे हम नॉर्थ से साउथ जाएंगे टेम्परेचर्स इंक्रीज होते हैं, साउथ में ज्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया इज रॉन्ग, टेम्परेचर एक्चुअली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन इंडिया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके बाद चैप्टर 5 का ये एक स्टेटमेंट ही है, लायन इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग है। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन भी है, देखिए चैप्टर 5 में ये रहा, टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, है ना। फिर चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 6 देखते हैं हमें, चैप्टर 6 भी हमने ऑलरेडी देखा, चैप्टर 2, 6, 4, अभी बचता है 9th चैप्टर और 8th चैप्टर का एक ही सवाल है, पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लेस देन ब्राजील, तो ये राइट है, ये भी हमारा टेक्स्ट में है पेज 53 पे। तो ये देखिए पर कैपिटा इनकम अगर हम देखेंगे तो पर कैपिटा इनकम इंडिया एंड ब्राजील का कंपेयर करेंगे तो इंडिया का कम है, ब्राजील का ज्यादा है थ्रू आउट, as mentioned भी है देखिए. India's per capita income seems to be even lower as India's size is very large. तो ये हमारा statement जो है India का less है वो right है. अब chapter 9 के जो right and wrong है वो देख लेंगे. ये देखिए यहाँ पे आता है chapter 9 का Brazilian standard time is ahead of Indian standard time. तो ये actually हमारा सवाल भी हम page 68 पे देख लेंगे. ये देखिए राइट और रॉन्ग के सवाल है. यहाँ 5 सवाल है चैप्टर 9 से. द फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इज ब्राइट इन इंडिया ड्यू टू इट्स नेचुरल डाइवर्सिटी. स्टेटमेंट राइट है. टूरिज्म इज एन इनविजिबल ट्रेड क्योंकि सर्विस है तो कुछ कोई चीज नहीं है जो ट्रेड हो रही है, गिव एंड टेक हो रही है. टूरिज्म इज एन इनविजिबल ट्रेड इज राइट. इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन दैट कंट्री. ये स्टेटमेंट भी राइट है कि जितना ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड है, रोड्स, रेलवेज वगैरह, तो दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट. ब्राजील्स टाइम इज अहेड ऑफ इंडियाज टाइम रॉन्ग है. ब्राजील पीछे है ना, तो इंडिया आगे है. इंडिया ग्रीनविच मीन टाइम से भी आगे है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. और द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन इंडिया हैज बिगन रिसेंटली. दिस इज द राइट स्टेटमेंट. टेक्स्ट में भी लिखा है. तो ये जो हमारे 5 है वही सेम हमारे 5 क्वेश्चन यहाँ पे भी मेंशन्ड है इन द क्वेश्चन बैंक. So yeah, Brazilian standard time is ahead of Indian standard time is wrong. Tourism is invisible trade right है. Development of roads is one of the development index of a country right है. Roads यहाँ पे actually transport है, but roads is also one means of transport. It is one of the way, one of the aspects. Then this is tourism in India has a bright future due to diversity in nature right. And last, development of tourism in India started recently ये भी right है. और ये लास्ट जो है ये एक्चुअली हमारे इसमें से नहीं, लिस्ट से नहीं है. रेलवे नेटवर्क इज लेस डेंस इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स. तो ये पेज 65 पे हमें इसका सवाल आंसर मिलेगा टेक्स्ट में. ये देखिए रेलवे नेटवर्क ज्यादा डेंस है बल्कि नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में, तो यहाँ दिया है देखिए रेलवेज रिलेटिवली लेस डेंस का हिल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, राजस्थान में. और ज्यादा डेंस रेलवेज का है नॉर्थ इंडियन प्लेन्स में. तो 4 जगह पे लेस डेंस है, एक जगह पे डेंस है. तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो कहता है रेलवे नेटवर्क इज लेस डेंस इन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स रॉन्ग है बल्कि इट इज डेंस. तो ये हमारे राइट एंड रॉन्ग के क्वेश्चंस हो गए. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है राइट आंसर्स इन वन सेंटेंस. फर्स्ट क्वेश्चन ये चैप्टर 2 के सवाल है. ये देखिए विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. तो हमने इतना भी स्टडी कर लिया है, मैप भी देखा था हमने. इंदिरा पॉइंट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया. यू शुड नो दिस बाय नाउ. लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन विच हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर. ये भी हमने देखा, ऊपर कंप्लीटली ऊपर है और ईस्टर्न साइड पे. विच कंट्री इज कॉल्ड कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड. ब्राजील. ये भी एकदम सिंपल चैप्टर 2 का क्वेश्चन है. ये देखिए इजीली हमें मिल जाएगा, जहाँ चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं पे एक्चुअली है. ये ब्राजील इज कॉल्ड कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे मेंशन है नोन एज कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड ऑन पेज 9. फिर विच इज द वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया. तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स 2 मेन रिवर्स है, नर्मदा एंड तापी. तो ये नर्मदा मेजर रिवर है, वो लिख सकते हैं हम. बाकी सब तो ईस्ट फ्लोइंग है, मतलब गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो है वो सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है. नर्मदा, तापी वेस्ट फ्लोइंग है और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में है. वेर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा. इसका आंसर है गंगोत्री ग्लेशियर. ये सब टेक्स्ट से है ना. वन लाइन आंसर जो है ये सारे एक्सरसाइज के नहीं है, टेक्स्ट बुक के अंदर मतलब चैप्टर के अंदर है. ये यहाँ पे मेंशन भी है, पेज नंबर देखिए पेज 22. ये देखिए ये गंगा का ओरिजिन मेंशन है यहाँ पे. ये देखिए ये गंगोत्री, गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम दी गंगोत्री ग्लेशियर. सवाल है वेयर इज द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर. विच इज द हाइएस्ट पीक ऑफ ब्राजील. ये है पिको डे नेब्लिना. ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर 3 में ही है. ये देखिए यहाँ पे पेज 17 पे हाईएस्ट पीक ऑफ ब्राजील पिको डे नेब्लिना. तो ये आंसर्स हमें याद करने हैं. फिर 7th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड एट द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन ब्राजील. तो ये भी हमें चैप्टर टेक्स्ट बुक में मिलेगा, चैप्टर 4 क्लाइमेट में है. ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के साउथ में ये टेम्परेट क्लाइमेट है, टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट. ये देखो चैप्टर 4 पेज 27. तो ऐसा क्लाइमेट है, हर पार्ट ऑफ ब्राजील में वो मेंशन है। यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील हॉट है, नियर इक्वेटर कैसा है, साधन पार्ट कैसा है, नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इट इज हॉट वाइल टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड नियर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो हमारा सवाल यही है विच टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड एट द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो ये टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ठीक है। नॉर्थ से जा रहे हैं ना, इक्वेटर आता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर नीचे नीचे बताया ब्राजीलियन हाईलैंड्स, कोस्टल रीजन ऐसे। तो दिस इज आंसर, ये इज टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। टेम्परेट ग्रासलैंड्स भी है यहाँ पे, पता होना चाहिए आपको। फिर लोकेशन ऑफ ब्राजील इज इन विच हेमिस्फीयर, तो ये भी हमने देखा है, इट्स कंप्लीटली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड मेनली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये आंसर है यहाँ, चैप्टर 2 से ही यही है। 9 सवाल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन विच रिवर बेसिन ऑफ इंडिया। तो ये गंगा रिवर बेसिन, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स मींस मेनली गंगा रिवर बेसिन। तो ये मेंशन्ड है चैप्टर 6 पेज 45 पे, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे एक्चुअली गिव रीजन है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इज हाई इन द गंगा प्लेन्स, ये गिव रीजन का स्टेटमेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाई इन विच रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, तो गंगा रिवर बेसिन। फिर 10th क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज फाउंड इन ब्राजील, तो इट इज मिक्सड इकोनॉमी। ये चैप्टर 8 में हमें मिलेगा, ये भी देखिए पेज 60 पे हमें क्वेश्चंस में भी मिलेगा, ये देखिए, है ना, देयर इज मिक्स्ड इकोनॉमी इन ब्राजील एंड इंडिया गिव रीजन। तो इसके ऊपर 1 लाइन क्वेश्चन भी पूछा गया, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। 11th है विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज मेनली फाउंड इन साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ब्राजील। तो साउथ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ ब्राजील में न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स है, डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पे, है ना, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरो, यहाँ यहीं पे है। तो ये देखिए पेज 47 पे अगर हम देखेंगे चैप्टर 7 ह्यूमन सेटलमेंट्स में, तो हमें ये मिलेगा यहाँ पे ना? तो ये साओ पाउलो यहीं पे है, तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट है ये। साउथ ईस्टर्न पार्ट हैज गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिस मेक्स साओ पाउलो एरिया ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो ये आंसर है यहाँ पे 11th का, ये देखिए न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन Which type of forest is found in swampy regions of India? तो swampy regions में coastal type of, swampy मतलब दलदल की तरह, तो coastal type of forest होते हैं यहाँ पे। ये भी हमारे टेक्स्ट बुक में mentioned है पेज 33 पे, ये देखिए। तो ये हमारा natural vegetation and wildlife का chapter है। तो ये देखिए coastal forests types of vegetation में यहाँ पे ये देखिए in swampy areas, estuaries and lagoons coastal type of vegetation is found। तो ये हमारा आंसर है विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, कोस्टल टाइप ऑफ फॉरेस्ट। 13th क्वेश्चन है पिंक डॉल्फिन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच कंट्री। तो पिंक डॉल्फिन ब्राजील में पाई जाती है, ये देखिए पेज 34 पे है, भी नीचे ही नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए यहाँ पे पिंक डॉल्फिन मेंशन्ड है। ये देखिए पिंक डॉल्फिन, ये ब्राजील का है, ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन फॉर ब्राजील। तो इन ब्राजील ऑल दीज एनिमल्स फिश आर फाउंड, पिरान्हास, पिंक डॉल्फिन। फिर नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन व्हाट आर द रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील कॉल्ड। तो ये भी यहीं पे मेंशन्ड है, ये देखिए पेज 33 पे ऊपर, रेन फॉरेस्ट इन ब्राजील आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आंसर ये आएगा, और दे आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें ये एक्चुअली फुल स्टेटमेंट में लिखना है, मैंने एक वर्ड लिखा है क्वेश्चन जैसे विच इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो आंसर हम लिखेंगे द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट। What are rain forests in Brazil called? तो हम कहेंगे the rain forests in Brazil are called lungs of the world। हम full statement में आंसर लिखेंगे, otherwise you will not get marks here, you have to write in complete sentence। फिर 15th question है what is the time duration of census in India? तो census is conducted every 10 years, ये हमें पता होना चाहिए। Like 2011 was the last census, 2021 census भी होना है। फिर next है what is the sex ratio? तो सेक्स रेशियो का भी डेफिनेशन हमारी बुक में दिया है पेज 40 पे, ये देखिए। तो ये हमारा चैप्टर है पॉपुलेशन। तो ये देखो व्हाट इज सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मींस नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ रीजन। तो वही है डेफिनेशन, हमने यहाँ लिखा है। 17th क्वेश्चन है हाउ मच परसेंट ऑफ वर्ल्ड्स लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय ब्राजील। तो ये भी हमारी टेक्स्ट में है, 5.6% है इसका आंसर, ये देखिए प्रीवियस पेज पे ही है ये देखिए, Now Brazil occupies 5.6% of world's total land. तो ये क्वेश्चन है तो हमें याद रखना ये फिगर. 18th क्वेश्चन है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द स्टेट ऑफ केरला. तो ये भी हमें मैप से मिलेगा एक्चुअली. पेज 38 पे ये मैप है, ये देखिए, ये इंडिया का पॉपुलेशन. अगर हम केरला में देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाई है. यहाँ पे भी मोर देन 500 persons पर स्क्वायर किलोमीटर बताया जा रहा है. तो ये हमें वही लिखना है. सो जब सवाल है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सो मोर देन 500 persons पर स्क्वायर किलोमीटर. फिर विच टाइप ऑफ सेटलमेंट्स आर फाउंड इन डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान. सो ये डिस्पर्स्ड. दो टाइप ऑफ सेटलमेंट्स होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड जो दूर दूर है, और एक होता है न्यूक्लिएटेड जहाँ कॉन्सेंट्रेटेड सेटलमेंट्स है. तो डेजर्ट रीजन में डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स आएंगे. ये है विच इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन ब्राजील. तो इसका आंसर आएगा साओ पाउलो. उसके बारे में मेंशन भी है चैप्टर 7 ह्यूमन सेटलमेंट्स में. ये देखिए अबाउट साओ पाउलो. देखिए तो साओ पाउलो इज इम्पोर्टेंट. इट इज रीजन ऑफ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट. इवन इफ यू इन जनरल सर्च करोगे आप इंटरनेट पे भी तो आपको पता चलेगा मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट इन ब्राजील इज साओ पाउलो. नेक्स्ट इज विच मेजर क्रॉप इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम ब्राजील. सो इट इज कॉफी. ये भी हमारा टेक्स्ट में ये इम्पोर्टेंट है. ये देखिए पेज 54 पे चैप्टर 8 इकोनॉमी ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन. तो ये देखिए यहाँ मेंशन्ड है. इसको स्टार भी मार्क किया हमने. ब्राजील इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी एज वेल एज सोयाबीन इन द वर्ल्ड. तो यहाँ पे आंसर सोयाबीन भी आ सकता है. मेजर क्रॉप एक्सपोर्टेड फ्रॉम ब्राजील. देन 22nd क्वेश्चन इज विच रिवर बेसिन इज फाउंड एट वेस्ट ऑफ ब्राजील. तो ये अमेजॉन रिवर बेसिन है वेस्ट साइड पे ना. नेक्स्ट इज व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड. सो एक्चुअली इसका क्वेश्चन है चैप्टर 8 पेज 58 पे. ये देखिए व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, पर यहाँ पे भी आंसर नहीं दिया टेक्स्ट में. तो हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड का खुद ने ही आंसर लिखा था. यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंस बिटवीन टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड द टोटल वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इन अ कंट्री. तो ये आंसर आएगा इधर. 24th, which is the costliest mode of transportation from roadways, railways, airways and waterways. Of course, it is airways. And write any one tourist city of Brazil. तो हम Rio de Janeiro लिख सकते हैं यहाँ पे. What is communication? Again a question. Definition का पूछ रहे हैं. तो यहाँ पे actually ये टेक्स्ट बुक में भी नहीं है. तो हम communication in general क्या होता है, हमारा चैप्टर 9 है communication के बारे में. इंटरनेट, मोबाइल, टेलीफोन सर्विसेज, पोस्टेज सिस्टम, उसके बारे में. लेकिन इन जनरल अगर हम कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिखेंगे वन सेंटेंस में तो वो होगा कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर. सो दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. और लास्ट सवाल है इन विच पार्ट्स ऑफ ब्राजील लेस ट्रांसपोर्टेशन रूट्स आर फाउंड. सो लेस ट्रांसपोर्टेशन रूट्स हम मैप से भी देखेंगे तो क्लियरली दिखेगा. नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ ब्राजील अमेजॉन रिवर बेसिन के रीजन में ये कम है ट्रांसपोर्टेशन रूट्स, क्योंकि वो डेंस फॉरेस्ट है वहां पे. सो ये हमारे, ये देखिए पेज 63 पे अगर हम देखेंगे तो ये देखिए या पेज 63 पे ये. तो यहाँ पे हमारा रोडवेज, रेलवेज, एयरपोर्ट सब दिखाया गया है. तो रोडवेज देखिए यहाँ फिर भी ये जो अदर रोड्स, मेजर रोड्स डार्क में, मेजर रोड्स है और अदर रोड्स लाइट पिंक में. तो यहीं पे नॉर्थ रीजन में नहीं है रोड्स. और रेलवेज भी है, जो रेलवे ट्रैक देखिए यहाँ पे कोस्टल रीजन में. यहाँ पे कुछ नहीं है रेलवेज है. इवन एयरपोर्ट 1 और 2 है, बाकी एयरपोर्ट भी सारे यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है. तो जब हमारा सवाल है कि इन विच पार्ट्स ऑफ ब्राजील लेस ट्रांसपोर्टेशन रूट्स आर फाउंड, इट इज द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील इन द अमेजॉन रिवर बेसिन. So here, ऐसा लिखना है in the northern parts of Brazil in the Amazon River Basin, less transportation routes are found. तो यह one sentence answers complete होते हैं. फिर short note की भी complete list दी गई है 22 questions की. थोड़ा और देख लेंगे जो MCQs है. ये देखिए name the following है. ये chapter 1 से है field visit से. क्या है ये, the activity in which visiting the place and collecting the information of geographical and cultural factors is done. तो इस एक्टिविटी को क्या कहेंगे, अगर एक प्लेस को विजिट किया जा रहा है, वहाँ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है तो उसको फील्ड विजिट कहेंगे. अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वन सेंटेंस आंसर भी आ सकता है व्हाट इज फील्ड विजिट. तो फील्ड विजिट का करेक्ट डेफिनेशन दिया है यहाँ. सेकेंड चैप्टर 3 से है द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया विच एक्सटेंड्स फ्रॉम सदर्न फुटहिल्स ऑफ हिमालय टू द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. तो इतने रीजन में कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का? तो इंडिया का कोस्टल प्लेन्स है, हिमालयाज है, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है, द प्लाटो रीजन है, डेक्कन प्लाटो। तो यहाँ जो साउथर्न फुट हिमालय से इंडियन पेनिनसुला के बीच में नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है। तो इधर आंसर आएगा नेम द फॉलोइंग का नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। और थर्ड वाला क्वेश्चन ये भी चैप्टर 3 से, द रेन शैडो रीजन ऑफ ब्राजील विच इज फाउंड एट द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो रेन शैडो रीजन नॉर्थ ईस्ट में है ब्राजील का, ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए चैप्टर 3 में हम देखेंगे। ये रहा चैप्टर 3। तो ये ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल भी यहाँ पे दिखाया गया है हमारा। ये शायद हमें और क्लियर इमेज दिखेगी इन द चैप्टर क्लाइमेट, ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। ये दिस पार्ट इज कॉल्ड द ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। तो वही यहाँ पे आंसर है, रेन शैडो रीजन ऑफ ब्राजील फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है ना, दिस इज द ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। अगर मैप में भी आया तो ये बताना है हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग रीजन्स इन द करेक्ट ग्रुप। तो हमें हाई रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल और लो रेनफॉल में इन रीजन्स को डिवाइड करना है, इंडिया के और ब्राजील के। तो ये हम देखेंगे। इसके बाद मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये देखो बिहार कहाँ आएगा, अगर हम कहाँ से देखेंगे, हम चैप्टर 4 में ये चैप्टर 4 पे हमारे जो ग्राफ्स मैप्स दिए गए हैं उनमें से हमें क्लियरली पता चलता है हाई रेनफॉल रीजन कहाँ है और लो रेनफॉल कहाँ है। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ब्राजील का रीजन दिखाया गया, हाई रेनफॉल लो रेनफॉल कहाँ है। तो ये ब्राजील का हाई रेनफॉल रीजन है, डार्क ब्लू, जैसे ब्लू का शेड लाइट होता है वहां कम रेनफॉल है, ये ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। और इंडिया का भी कैसे बताया गया, ये देखिए इंडिया का भी ये रीजन लो रेनफॉल है, यहाँ पे भी वेरी लो रेनफॉल। हैवी रेनफॉल जो एकदम डार्क ब्लू ये है कोस्टल रीजन में, यहाँ पे वेस्ट कोस्ट पे, और यहाँ पे भी है नॉर्थ ईस्ट में। बाकी ये जो है मॉडरेट रेनफॉल और ये वेरी लो रेनफॉल ऐसे है। तो हमारा सवाल जो है उसमें देखना है हमें वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स यहाँ है, तो यहाँ तो हैवी रेन से, तो हाई रेनफॉल में आया। इवन ईस्टर्न हिमालयाज मतलब ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ना, हिमालयाज यहाँ नॉर्थ से लेके पूरा ईस्टर्न पार्ट तक है, तो ये भी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो यहाँ पे भी हैवी रेनफॉल है, हाई रेनफॉल है, ईस्टर्न हिमालयाज। एंड इवन गोवा, गोवा लाइज ऑल्सो इन द वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पे गोवा भी है महाराष्ट्र के नीचे कोस्ट पे। तो ये 3 रीजन्स आए इंडिया के हाई रेनफॉल में। मॉडरेट रेनफॉल है बिहार और वेस्ट बंगाल में, ये देखिए बिहार आता है यहाँ, ये बिहार झारखंड और ये वेस्ट बंगाल, तो यहाँ मॉडरेट रेनफॉल है। फिर लो रेनफॉल में हमने डाला है वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न आंध्रा। तो ये देखिए वेस्टर्न राजस्थान मतलब एकदम वेस्टर्न मोस्ट पार्ट, यहाँ पे फिर भी बारिश है, जितना वेस्ट जाते हैं वहां ड्राई हो जाता है। वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न आंध्रा। तो महाराष्ट्र भी यहाँ पे, तो महाराष्ट्र का भी जितना ईस्टर्न साइड में जाते हैं वहां पे बारिश कम होती है। तो ये है ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड मॉडरेट रेनफॉल है, ईस्टर्न महाराष्ट्र में मॉडरेट रेनफॉल है, सॉरी लो रेनफॉल है। वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड वेस्टर्न आंध्रा और वेस्टर्न आंध्रा। तो आंध्रा रीजन यहाँ पे, तो ये ईस्ट रीजन है, वेस्टर्न आंध्रा में अगेन लो रेनफॉल है। फिर नेक्स्ट है हम ब्राजील के रीजन्स देखेंगे। तो ब्राजील के लिए हमें ये मैप भी चाहिए, ब्राजील का जो क्लाइमेट का मैप है वो भी चाहिए, और ब्राजील के इम्पोर्टेंट लोकेशंस का भी मैप चाहिए, द स्टेट्स ऑफ ब्राजील। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ ब्राजील यहाँ दिखाए गए हैं, उनका अर्बन पॉपुलेशन, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन कितना है। तो हमें ये और ये क्लाइमेट का जो मैप है इन दोनों को मर्ज करके देखना है और इनके आंसर्स देने कि इन रीजन्स यहाँ पे पूरी लिस्ट दी है, उनमें से हमने ये सेग्रीगेट किया इंडिया में कहाँ कौन से, ये 6 ब्लैंक्स में कहाँ पे कौन से स्टेट्स आएंगे, कौन से रीजन्स आएंगे। तो ये देखिए हाई रेनफॉल हमने कहा रोराइमा, रियो ग्रांडे डो सुल एंड सेंटा कैटरीना। तो ये हाई रेनफॉल रीजन देखिए यहाँ है, ये पूरा ये जो पैच है ना, तो ये रोराइमा यहाँ पे आता है, ये देखिए है ना रोराइमा। फिर रियो ग्रांडे डो सुल यहाँ पे नीचे, सेंटा कैटरीना भी यहाँ पे, ये देखिए रियो ग्रांडे डो सुल एंड सेंटा कैटरीना। तो हमें इसका ये तो परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है, ये नहीं देखना है हमें, ये वाला मैप देखना है ना, हाई रेनफॉल। तो ये एंड सेंटा कैटरीना, सेंटा कैटरीना आल्सो लाइज हियर अबव रियो ग्रांडे डो सुल। तो दीज आर रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल। मॉडरेट रेनफॉल इज अमेज़ोनास, ये देखिए अमेज़ोनास यहाँ पे इतना बड़ा। तो एमेजोनास यहाँ आएगा ये पार्ट में। तो ये मॉडरेट रेनफॉल है। डार्क ब्लू इज हाई रेनफॉल, दिस इज मॉडरेट रेनफॉल। ये व्हाइटिश रीजन जो एकदम लाइट ब्लू है वो लो रेनफॉल में आएगा। तो ये देखिए, तो ये हो गया मॉडरेट। लो रेनफॉल बाकी सब रीजन है। ये कितनी 5 रीजन है, टोकैंटेंस, पनम्बको, अलागोस, रियो ग्रांडे डो नॉर्डे एंड पराइबा। ये सब रीजन यहीं पे है। ये देखिए, ये रियो ग्रांडे डो नॉर्डे, पराइबा, अलागोस, ये सब ये ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल में है ना। यहाँ पे लेस रेनफॉल है। तो ये है। और एक जो जगह थी वो थी पनम्बको एंड टोकैंटेंस। टोकैंटेंस यहाँ पे और पनम्बको यहाँ पे। ये पूरा रीजन है। ये देखिए लो रेनफॉल। फिर इधर जो है हमारा ये वाला पार्ट खत्म होता है। वन लाइन आंसर्स की हमने नेम द फॉलोइंग एंड दिस ग्रुपिंग एंड ट्रू और फॉल्स। तो ये मेजरली हमने कवर किया अपार्ट फ्रॉम फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर लेफ्ट अर्लियर। तो सारा ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ कवर हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मैप के क्वेश्चंस देखेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। तो हमें